हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कल का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जा करके देख लेना है। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मेरी गाड़ी को मैं रिपेयर करवाना है, मतलब सर्विसिंग के लिए देना है, तो अभी अभी मैं कॉल किया हूँ उसको, उसने कहा कि गाड़ी लेके आ जा, सर्विसिंग करा देता है। तो सर्विसिंग कराने के बाद मैं जाऊँगा एग्जीबिशन के पास कि कौन सा एग्जीबिशन लगाया जा रहा है और कब ओपन होने वाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी मालूम करके आपको बताते हैं। तो अभी जाते हैं, चाय पीते हैं। पहले चाय पी करके नाश्ता, तो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, नाश्ता मैं करता नहीं हूँ, तो सिर्फ जाते हैं चाय पीते हैं। चाय पी करके बाइक को पहले सर्विसिंग कराते हैं, फिर जाते हैं एग्जीबिशन के पास। सामना शाम के बज चुके हैं 4। अभी आया हूँ मैं कुछ 15 मिनट पहले। गाड़ी का काम इतनी देर हुआ है, बहुत ज़्यादा काम था गाड़ी में। मतलब नॉर्मल सर्विसिंग ही थी, लेकिन वो थोड़ा लेट किया, बाकी और गाड़ियाँ थी इसी वजह से मेरी गाड़ी लेट हुई। 4 बजे घर पे आया हूँ, अभी लंच करके बैठा हूँ अब्बा के रूम में। थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर जाते हैं एग्जीबिशन देखने के लिए, मतलब कितना बना है, क्या है, एक्सेट्रा, कब ओपन होने वाला है। गाड़ी हो चुकी है सर्विस्ड और मैं भी थोड़ी देर आराम करके अभी नमाज पढ़ के जा रहा हूँ एग्जीबिशन देखने के लिए। ट्रैफिक ओ मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना था। देखते हैं इस बार क्या थीम इन्होंने लगाया है एग्जीबिशन में। वैसे तो हर बार एक ही रहता है, मतलब बच्चों को खेलने वाले जो रहते हैं वो तो सेम रहते हैं, बाकी का जो थीम होता है ना, लास्ट टाइम फिश वाला रखे थे, उससे पहले वो कुछ क्या कहते हैं दुबई वाला, देखते हैं जा करके। और हर बार जहाँ पे लगाते हैं ना एग्जीबिशन, इस बार भी वहीं पे लगाए हैं। इस बार का जो थीम है ना वो बर्ड्स वाला थीम है। देखो, इंटरनेशनल एक्सॉटिक बर्ड्स एग्जीबिशन, मतलब बर्ड्स वगैरह रखे जाएंगे यहाँ पर। और ये गोरिल्ला पहले भी रखे थे, बड़ा वाला था, नहीं अभी असेंबल कर रहे हैं शायद, अभी पूरा काम नहीं हुआ है। ये देखो वो साइड पे झूले, इस बार थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये, और थोड़ा अंदर की तरफ नहीं रखे हैं, बाहर ही रख दिए हैं। देखो काम चल रहा है अभी, स्टिकरिंग वगैरह बोर्ड्स वगैरह बना रहे हैं लोग। इंटरनेशनल एक्सॉटिक बर्ड्स एग्जीबिशन, इस बार का जो थीम है वो बर्ड्स वाला, बर्ड्स लिखा है लेकिन यहाँ पर जानवर भी डाल दिया, मतलब देखो एनिमल्स ये वाले। गोरिल्ला को असेंबल करना बाकी है, पेंटिंग चालू है। ये पूरा ग्राउंड खाली रहता है ना, पूरा लाके असेंबल करना होता है। कब तक ओपन होने वाला है भैया? कभी ओपन हो रहा है, आइडिया है कुछ? बुड़ो नेक्स्ट मंथ था, टुमारो ओपन हो रहा है। हाँ, तमिलनाडु से है क्या? अच्छा, उसको तेलुगु समझ में नहीं आई और हिंदी भी समझ में नहीं आई। कल ओपन हो रहा है बोलते, अभी तक काम सही से हुआ नहीं है, पता नहीं, वैसे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, कब ओपनिंग हो रहा है। अंदर का थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, देखो अंदर फूड कोर्ट, देखो ऐसा कुछ बनाया जा रहा है अंदर। जब ओपन होगा उसी टाइम पे जाकर दिखाते हैं अच्छे से। जेंट व्हील असेंबल कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, काम चालू है। वो जो बंदा पेंट मार रहा है ना, वो कहा कल ओपन हो रहा है, मतलब काम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक दिन में कर देंगे, पता नहीं, बोल नहीं सकते। अगर कल मैं रहूँगा मदनपल्ली में तो आकर आपको दिखाऊँगा एक बार, अगर ओपन हो गया है तो। मुझे तो नहीं लगता कल ओपन होगा, कल पता चल जाएगा क्या बात है। ये जो गोरिल्ला वाली थीम है ना, लास्ट ईयर भी दसरा में लगाए थे, लास्ट ईयर जो एग्जीबिशन हुआ था जब भी लगाए थे, इस बार भी लगाए, लेकिन इस बार ड्रम रखा हुआ है गोरिल्ला के हाथ में। ये चालू होता है नहीं होता है बोल नहीं सकते, देखते हैं, कल ही मालूम पड़ेगा ओपनिंग के टाइम पर कि क्या क्या हो रहा है।
एंट्री पॉइंट एक ही रखा हुआ है, एग्जिट पॉइंट यहाँ से नहीं है, लगता है पीछे की तरफ से है या फिर वो साइड से है, कहीं से तो है। एग्जिट पॉइंट तो यहाँ से सामने की तरफ से नहीं है इस बार। और ये जो पोल आपको नज़र आ रहे हैं, जो लाइट इन्होंने यहाँ पे असेंबल किया है, ये बीच में आड़ा आ जाता है, मतलब बीच में आ जाता है वो, सही से जितना भी बैनर इन्होंने लगाया है वो सही से दिखता नहीं है। ये जो पोल्स लगाए हैं इन्होंने, उसकी वजह से अगर वो नहीं होते ना तो और अच्छे से नज़र आता कैमरे में। तो चलो अभी चलते हैं, यही था कुछ एग्जीबिशन जो ओपन हो रहा है। यहाँ पे तेलुगु में लिखा है और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। सो लेट्स गो, एक राउंड लगाते हैं और जाते हैं घर पे। वो देखो मंकी सेल्फी ले रही है पाउड बना के, वो भी सेल्फी ले रही है पाउड। रात में लाइटिंग में और मस्त दिखेगा ये सब। मैं पूरा एक राउंड लगा कर आ रहा हूँ अभी, लेकिन मुझे एग्ज़िट पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। एग्ज़िट पॉइंट इन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है वो भी समझ में नहीं आ रहा है एग्ज़िट पॉइंट तो मुझे नज़र नहीं आया कहाँ से एग्ज़िट होना है, जब ओपन होगा उसके बाद ही पता लगाते हैं। और मैं पूछा अभी कि कब ओपन हो रहा है एग्ज़िबिशन, तो उन्होंने कहा कि जुम्मा के दिन ओपन हो रहा है, मतलब फ्राइडे के दिन ओपन हो रहा है। कल थर्सडे है, परसों जुम्मा, मतलब दो दिन बचा है ओपन होने के लिए। तो ये कुछ अपडेट मिली है अभी, कंफर्म तो मुझे नहीं मालूम। जो भी अंदर घूम रहा था मैं उससे पूछा कि कब कंफर्म है, तो बोला जुम्मा के दिन कंफर्म है ओपन होने का। तो जुम्मा अगर मैं रहूँगा जुम्मा के दिन यहाँ पे, तो उसी दिन आऊँगा, नहीं तो जब भी मैं आऊँगा मदनपल्ली वापस, तो जब आ करके आपको एग्जीबिशन का टूर, मतलब अंदर जाके दिखाएं। तो अभी ऐसे ही बैंगलोर रोड पे जा रहा हूँ चक्कर लगाने के लिए, एक राउंड ऐसे थोड़ी हवा खा करके आते हैं, अच्छी ठंडी ठंडी। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये पूरा एरिया, मतलब ये जो यहाँ पे तालाब है पूरा साफ कर दिए हैं यहाँ पे आसपास में, बहुत जंगल था इधर। इधर तो कुछ काम चालू है, पता नहीं क्या है, लेकिन पानी रुकाने के लिए बना रहे हैं ये, या फिर ये तो वैसे छोटा सा डैम है वो बुद्धा विहार ऊपर, वो जो आपको नज़र आ रहा है वो बुद्धा विहार है। मैं आपको इसका वीडियो भी बनाया हूँ वो पहाड़ का, उसके ऊपर जा कर के। और ये पूरा तालाब है, क्या चल रहा है इधर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। घूमने आया था मैं, मुझे ऐसा नज़र आया तो आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर इधर बैठते हैं, तो पता नहीं मुझे क्या काम चल रहा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं शूट कर रहा था वीडियो, ठीक है, और नीचे देखा मेरे पैर के पास सांप को मार के डाला हुआ है। देखो यह है सांप, इसको मार दिया गया है। और वैसे जो चींटियाँ होती हैं वो भी आ गए हैं उसको खाने के लिए। देखो कितना छोटा है, मतलब डर गया मैं डरा नहीं हूँ, देख कर शॉक हो गया, अरे बाप रे, बाजू में पैर के पास में देखो ऐसा रुका था मैं पैर, और ये सांप ऐसे शूट कर रहा था। देखकर मुझे लगा अगर ये वाला सांप जिंदा रहता ना तो पक्का मुझे काट लेता। वैसे ये पूरा जंगल था, मालूम है पूरा जंगल है, मतलब पेड़ पूरे ऐसे रास्ते में आया करते थे, पूरा साफ कर दिया अभी, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। सनसेट का टाइम हो रहा है। वैसे एग्जीबिशन तो आपने देख लिया, और मरे हुए सांप को भी आपने देख लिया अभी, मैं खुद भी देख के थोड़ा शॉक हो गया मालूम है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसे ही टहलने आया हूँ, थोड़ी हवा लेने आया हूँ, सुकून की सांस लेने आया हूँ, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है टाउन में, चक्कर लगाने आया हूँ। तो अभी चलते हैं, शाम का वक्त हो गया है, मगरिब का टाइम हो रहा है और बहुत प्यारा मौसम है। सनसेट तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्यारा मौसम हो चुका है। एग्जीबिशन फ्राइडे के दिन ओपन हो रहा है, तो फ्राइडे ही चलते हैं अगर मैं रहूँगा मदनापल्ली में, तो नहीं रहूँगा तो फिर नेक्स्ट वीक जब भी आना होगा मदनापल्ली तब आ करके एग्जीबिशन आपको दिखाता हूँ। अभी रूम पे आया हूँ मैं डिनर करके, तो अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, अभी सोने का टाइम है, मेरे को 11 हो रहा है टाइम, रात के 11 बज रहा है। तो व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसा कुछ मेरा दिन गुजरा है आज, आपको मैं ले गया था एग्जीबिशन जो ओपन होने वाला है दो दिन में, मतलब मैं कल अपलोड करूँगा ये, तो फ्राइडे के दिन एक दिन रहेगा गैप बीच में, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आपको ज़रूर पहले दिन ही मैं जाकर आपको दिखाऊँगा।
तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग को यहीं पे शुरू किया तो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।